गाड़ी रुक रही यार, ओ माय गॉड आइस रुक रही यार, पता नहीं। ओ शिट। हेलो गाइस, मेरा नाम है अली और आज की वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ एक्सट्रीम लेवल का वाटर टेस्ट में, क्योंकि मैं ला चुका हूँ एक नई वाली गाड़ी। इसके साथ में आज अपन करेंगे एक्सट्रीम लेवल का वाटर प्रूफ टेस्ट, देखेंगे ये वाली गाड़ी की हालत होती है। दोस्तों मैं हमेशा करता हूँ टेस्ट, क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि कार वाटर प्रूफ होती है या नहीं होती है। आप बाय करने से पहले जान सकते हो कि एक आरसी कार वाटर प्रूफ होती है या नहीं होती है। अगर वो पानी में खराब होने के बाद वो वापिस कैसा ठीक होती है, इस वीडियो के अंदर करेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना, काफी सारा मजा आने वाला है। तो गाइस ये वाटर प्रूफ टेस्ट करने कैसे, मेरे पास काफी सारे बकेट्स के अंदर काफी गहरा पानी है, आधा लीटर पानी, ये देख सकते हो ये पूरी तरीके से आधा लीटर पानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 लीटर नहीं है, मैं आधा लीटर डाल के चेक करूंगा कि आधे लीटर में ये वाली गाड़ी बंद होती है या नहीं होती है, वो भी देख लेंगे दोस्तों। फिर आइए दोस्तों ये वाली खतरनाक वीडियो को शुरू करते हैं, और क्या ब्रांड न्यू गाड़ी वाटर प्रूफ को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। दोस्तों आपको सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर बता देता हूँ गाड़ी कितनी ज्यादा छोटी है। ये देखो ये स्टंट कार के तरफ से आ जाती है, और इसकी बैटरी मेरे को नहीं मिली थी, तो आज ये देखेंगे वाटर प्रूफ टेस्ट के अंदर संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। इसका डिब्बा भी पूरी तरीके से फट चुका है। फो गाइस गाड़ी अपन के डिब्बे के बाहर से ऑलमोस्ट निकल चुकी है। ये देखो गाइस गाड़ी का डिब्बा पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका है, इसको साइड में फेंकेंगे। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी काफी ज्यादा छोटी बच्ची है दोस्तों, अगर अपन इसके ऊपर पानी भी डाले ना इसके सर्किट्स खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते, तो फिर देखेंगे इसके सर्किट्स खराब होते हैं या इसकी मोटर खराब होती है। यहाँ पर अपन को फ्लफी से व्हील्स मिल जाते हैं जो कि इसको हर टेरेंस के अंदर काम आ जाता है। अपन को एक छोटी सी बैटरी भी मिल जाती है। बैटरी पूरी तरीके से मैंने खुद बनाया था यार, शॉपकीपर ने मुझे बैटरी नहीं दिया था। तो ये तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक रेडियो कंट्रोल सिस्टम है जो कि गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों मैं बैटरी इंस्टॉल कर लूंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर मैंने बैटरी इंस्टॉल कर दिया है। ये देखो गाइस बैटरी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। इसको अंदर डाल के वापिस ये डिब्बे के यानी कि वापिस ये कवर को लगा देंगे, फिर देखेंगे दोस्तों। ओ फो गाइस ये देखो मैंने पूरी तरीके से ये लगा चुका हूँ, अभी इसको मैं टाइटली मार दूंगा। ओ फो गाइस गाड़ी ऑन हो चुकी है। वाटरप्रूफ टेस्ट करने से पहले मैं आपको चलाकर बता देता हूँ। ये गाड़ी देखो यार कुछ ऐसा भी चल सकती है, लेकिन अभी मुझे पूरी तरीके से कंट्रोलिंग करना आ चुका है ये गाड़ी को, तो मैं बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखो गाइस अब मैं इसको यहाँ से भी जाऊँगा, फिर स्पीड लेके आऊँगा। ओ फो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड भाग सकती है यार। ये देखो ओ आज देखेंगे ये वाटरप्रूफ टेस्ट में जिंदा बस्ती है कि मुर्दा बस्ती है। ये देखो गाइस ओ फो भाई साहब भयंकर यार, भयंकर गाड़ी निकली भाई ये तो। ओके ओ फो गाइस ये 360 डिग्री भी मार सकती है। मज़ा आ गया दोस्तों इसको ऑन करने के बाद। पर पानी डालने का एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। मैं इसको अभी गोल गोल फिरा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आराम से फिर रही है यार। ये देख सकते हो भाई ये राइट के तरफ भी बहुत ही आराम से फिर सकती है। ये देखो गाइस ये राइट के पोजीशन पे फिर रही है, अभी ये लेफ्ट के पोजीशन पे फिर रही है। अभी इसको फिराते फिराते पानी डाल देंगे इसके ऊपर, फिर देखेंगे पानी डालने के बाद इसका मदरबोर्ड ख़राब होता है कि इसकी आईसी ख़राब होती है, क्योंकि मैं टेस्ट हमेशा करता हूँ आरसी कार का वाटरप्रूफ टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये वाले डिब्बे के अंदर है बहुत ज़्यादा केमिकल वाला पानी। ये देख सकते हो इसके अंदर पूरा सर्फ एक्सेल का पानी है। ये डिब्बे के अंदर हालत क्या होती है दोस्तों, आइए फिर सर्फ एक्सेल का पानी डालते हैं भाई ये वाली गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों 3, 2, 1 तैयार कर लो गाड़ी की कुर्सी पेटी। ओ डाल दो। ओ भाई साहब गाड़ी रुक रही यार, ओ माय गॉड गाइस गाड़ी रुक रही यार, पता नहीं। ओ शिट गाइस गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। डाल दो, आधा लीटर का पानी डालने वाला हूँ मैं अब इसके ऊपर। ओ माय गॉड रुको रुको। ओ फो गाइस गाड़ी अपनी बंद हो चुकी है। ओ फो गाइस ये देख सकते हो आप बिल्कुल ये नहीं चल रही यार। देखो यार ये बिल्कुल भी अब आगे नहीं बढ़ रही यार। ये लाइटां बहुत ज़्यादा ब्लिंक करने के लिए पोजीशन पे आ गई यार, लगता है ये वाटरप्रूफ नहीं थी यार। ओ शिट भाई अपन को ये गाड़ी खोना पड़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कब ऑन होती गाड़ी। ये देखो गाइस अब ये बिल्कुल भी ऑफ ऑन नहीं हो रही यार। ये देखो मैं इसको कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ फिर भी ये ऑन नहीं हो रही है। लगता है इसकी अब आधे घंटे 1 घंटे के बाद अपन को वेट करना होता है, उसके बाद ये आ जाती है। ये देखो गाइस मैं इसको ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब इसके मदरबोर्ड के अंदर पानी जा चुका है। अब ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है भाई साहब। ये देखो ओफ ओ भाई पानी डालने के बाद तो पता चल रहा है ये वाटरप्रूफ वाली कार बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पानी में चलाने की ज़रूरत मत करना, गाड़ी ख़राब हो जाती फिर। ये देखो गाइस, ओफो भाई साहब, आपने देखा मैं खाली छोटा सा पानी डाला, उसके बाद ये गाड़ी की हालत पूरी तरीके से टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी नहीं और ये वाटर में नहा भी नहीं सकती। अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो उसको जाने के लिए, पानी में भीग चुकी है तो आधा घंटा एक घंटा आपको सबर करना है, उसके बाद गाड़ी ऑन हो जाती है, उसके बाद ये वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाती है। दोस्तों अब ये बिल्कुल भी नहीं आ रही यार वर्किंग कंडीशन के अंदर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये गाड़ी के ऊपर अपन नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस काबिल की नहीं है दोस्तों जिस काबिल के लिए मैं इसको लेके आया था वाटरप्रूफ के लिए। ये बिल्कुल भी नहीं चली यार, वाटरप्रूफ में ये हार चुकी है, तो अपन को एक दो घंटे इंतजार करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बोलता हूँ कभी भी आरसी कार लिए तो वाटरप्रूफ की लिया करिए। ये गाड़ी बिल्कुल भी ऑफरोडिंग भी नहीं कर सकती प्रॉपर तरीके से और ये वाटरप्रूफ भी नहीं है। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।